मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं और सड़क मार्ग से अब नाथद्वारा के लिए वो रवाना होंगे। तो डबोक एयरपोर्ट उदयपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब यहाँ डबोक एयरपोर्ट के बाहर वो आने के बाद अब सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर रवाना हुए जयपुर से और फिलहाल यहाँ उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट पहुँचे हैं। अब उदयपुर से बाई रोड सड़क के रास्ते सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो विशेष विमान से नाथद्वारा विशेष विमान से यहां डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनका ये काफिला उनकी गाड़ियों का काफिला अब रवाना हो चुका है एयरपोर्ट के बाहर। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए और मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव सड़क मार्ग से नाथद्वारा होगा। नाथद्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अभिनंदन किया गया यहां उदयपुर में पधारने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया गया जिस तरीके से स्वागत उनका हुआ। और अब सड़क मार्ग से गाड़ी में सवार होकर वो नाथद्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सड़क मार्ग से। अब मुख्यमंत्री यहां डबोक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लैंड करने के बाद रवाना हो गया नाथद्वारा के। नाथद्वारा में कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और इसीलिए फिलहाल अब कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे नाथद्वारा। यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट से बाहर आते ही मेवाड़ के पारंपरिक अंदाज में पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। मुख्यमंत्री भी खिलखिलाते हुए सभी के साथ बातचीत करते नजर आए, धन्यवाद दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री का है क्योंकि विशेष विमान से अभी उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर पहुंचने के बाद अब यहाँ उदयपुर से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री नाथद्वारा के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का अभी का कार्यक्रम नाथद्वारा जाने का है और नाथद्वारा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। यहां उदयपुर एयरपोर्ट पर डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं विशेष विमान से। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता पहुंचे और फिलहाल सड़क मार्ग से वो नाथद्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं। बीकानेर मिठाई और नमकीन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, तो वहीं बीकानेर की एक और ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे देश में है, वो है बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ी। दिवाली के दौरान यहां की फुलझड़ियों की मांग बढ़ जाती है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए फुलझड़ी बना